नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पुके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राजीव कपूर ट्रस्ट लाइन के, रवि दियोरा हैं कुमारजी ग्रुप के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, और मनोज जाजू हैं ग्वार के एक्सपर्ट हैं, ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ। गोल्ड में तूफानी तेजी, 53,000 के ऊपर चला गया आज गोल्ड 7 महीने की ऊंचाई पर। चांदी में भी अच्छी तेजी आई है, चांदी 5 महीने की ऊंचाई पर है और ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम 3 महीने के ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, अच्छी तेजी। और इस तेजी के पीछे की वजह यह है कि डॉलर में काफी कमजोरी आई है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखा है। तो कुणाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि क्या ये मोमेंटम, ये रफ्तार अभी कंटिन्यू रहने वाली है? सी, ओवरऑल गोल्ड में डायरेक्शनल व्यू अभी भी तेजी का ही है, कोई मंदी जैसा है नहीं, बट इट इज मूव्ड अप सो फास्ट, मतलब इन अ मैटर ऑफ लास्ट 15 डेज 3,000 रुपए की हमने रैली देखी है। सो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है ये मार्केट्स में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 1-2 दिन में थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, बिकॉज कोई ब्रेक नहीं है ये रैली में। और डॉलर इंडेक्स भी मुझे लग रहा है 106 पे है, 106 के नीचे इमीडिएटली शायद नहीं जाए, इट विल होल्ड। सो द आउटलुक इज वेरी बुलिश, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम कूल ऑफ। और एक बार मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस मौजूदा स्तर से 50-900 चल रहा है, एक बार 50-600 550 तक आ सकते हैं, वहां पे फिर से आपको री एंटर करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। अब जरा रवि जी, आप बताइए संक्षेप में सर कि इंट्राडे के ट्रेडर को गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अभी मोमेंटम डॉलर इंडेक्स जो लोअर आया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ वैक्यूम है, तो बाइंग करके चलना चाहिए। गोल्ड में अभी 50,800 के करीब बाय करना है, इंट्राडे में 53,100 तक एक लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। जब तक 50,680 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं होता, ये पोजीशन में बने रहना है, तो मुझे लग रहा है इंट्राडे में बाय करना बेटर होगा। 6 बजे पीपीआई का डेटा है, तब एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस से मुझे आज बाइंग से ज्यादा प्रेफर दिख रहा है। ओके, राजीव जी आपका भी यही व्यू गोल्ड पर? मृत्युंजय जी, बाइंग का ही व्यू है, बट करेक्शन पे लेना चाहिए, बहुत जल्दी और बहुत लंबी तेजी इसमें आई है, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट खरीद के ही काम करना है, काउंटर ट्रेड नहीं करना। ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अच्छा अनुज जी, कुणाल जी एक बात आप जरा और बताएं सर कि मतलब जिस तरह से डॉलर कमजोर हुआ है, क्या आपको लगता है कि डॉलर में कम वक्त में ज्यादा गिरावट आ गई है और फिर से डॉलर एक बार तेजी का रुख कर सकता है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? में मुझे लग रहा है सिल्वर भी थोड़ा नीचे ही लग रहा है मुझे, और सिल्वर में मेरा व्यू ऐसा है कि एक बार सिल्वर के प्राइजेस 62,000-61,800 तक जा सकते हैं, मैं आज इवनिंग सेशन में तो बेचने के लिए ही रिकमेंड करूंगा। आप तो तेजी में थे सर, सोने और चांदी दोनों में, इतनी जल्दी मंदी में कैसे आ गए? देखिए, ये हम जो शो कर रहे हैं वो इवनिंग की स्ट्रेटेजी के लिए शो कर रहे हैं। अभी मैं 53,000 में गोल्ड किसी को दिला दिया और 500 रुपए नीचे जाएगा तो वो तो लॉस करके ही आने वाला है, तो 500 रुपए कोई खड़ा नहीं देता है ट्रेडर। आई एम रिस्पेक्टिंग, मेरा मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिल्वर का मेरा टारगेट 80,000 का है, गोल्ड का मेरा टारगेट 56,000 का है, पर आज इवनिंग सेशन के लिए मैं दोनों में प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है, वो हिसाब से बेचने के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। कमाल, ये यही कुणाल जी की खासियत है, बिल्कुल एकदम क्लियर राय, स्पष्ट राय आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार लोगों को लोग ये सवाल पूछने लगते हैं कि अरे कुणाल जी कल तो तेजी वाली बात कर रहे थे, आज गिरावट की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कुणाल जी ने क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ आज के लिए व्यू है, और बात भी सही है भाई, 53,000 के ऊपर गोल्ड अगर चला गया है तो एक करेक्शन तो आ सकता है ना, तो इसीलिए कुणाल जी इंट्राडे के लिए आपको भी क्वाली की राय दे रहे हैं सोने और चांदी दोनों में, लेकिन लॉन्ग टर्म का उनका व्यू इंटैक्ट है, तेजी में है, 80,000 वो कह ही रहे हैं कि गोल्ड यहाँ पर जा सकता है। चांदी पर आपका व्यू क्या है रवि जी? चांदी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा वहां पे लिमिटेड अपसाइड है, बट आई थिंक के सेकंड हाफ में आपको जैसे 6 बजे पीपीआई के डेटा आ जाए
उसके बाद रिव्यू करके सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखना है। इंट्राडे के लिए शायद अभी मुझे लग रहा है 63,000 तक के लेवल आपको शायद अच्छे होते देखे, तो रिस्क रिवॉर्ड वहां पे फेवरेबल मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है। थोड़ा एक से दो ट्रेडिंग सेशन का अगर व्यू है तो मुझे लग रहा है हायर लेवल से प्रेशर रहेगा। इंट्राडे के लिए थोड़ा आप 60,800 के करीब अगर मिलता है तो 63,200 के स्टॉप लॉस के साथ सेकंड हाफ में बेच सकते हैं। डाउनसाइड एक लिमिटेड डाउनसाइड 62 तक जा सकता है, उसके बिलो में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस 62 के नीचे सस्टेन रहने चाहिए। ठीक है, ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में अभी आपको क्या करना है। चलिए एक सवाल कुणाल जी, आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आपने इंट्राडे के लिए बताया कि बेचना चाहिए, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर को इस भाव पर क्या करना चाहिए? पोजिशनली गोल्ड में तेजी है, पोजिशनली गोल्ड सिल्वर में कोई मंदी नहीं है, बिकॉज ओवरऑल आगे जाके डॉलर इंडेक्स यूएस के रेट हाइक हॉल्ट होने वाले हैं, डॉलर इंडेक्स और भी कमजोर हो सकता है, और जो सबसे बड़ा रीजन है सेंट्रल बैंक 2 क्वार्टर से लगातार गोल्ड बाई कर रहे हैं। सो आगे जाके यूएस के जॉब के डेटा खराब आते हैं या हाउसिंग के डेटा खराब आते हैं तो वो टाइम पे आपको प्रोटेक्शन गोल्ड ही देने वाला है। सो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए गोल्ड इज अ बाय, इफ इट गोज डाउन बाय अनदर 500 1000 रुपीज यू शुड नॉट वरी, स्टे इन इट, द आउटलुक इज वेरी बुलिश। ओके, पोजिशनल ट्रेडर बाई कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, आगे ट्रेंड पॉजिटिव है, ये बात कुणाल जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर और सिल्वर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं ग्वार की। ग्वार की बात इसलिए कि कल एक बड़ी तेजी आई ग्वार में, आज देखिए आज ग्वार में कमाल हुआ। अगर आप चार्ट के जरिए आप समझ पाएं आज ग्वार की चाल को, मार्केट ओपन हुआ, शुरुआती 1-1.5 घंटे तक मार्केट बहुत सुस्त था, बहुत दबाव में था, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद जो मार्केट ने छलांग लगाई, शानदार छलांग लगाई ग्वार में, ग्वार सिल और ग्वारगम दोनों ने, और फिर कारोबार के आखिर में एक शार्प फॉल आया, 5650 के ऊपर चला गया था मार्केट ग्वार सीड का, उसके बाद वहां से करीब करीब 200 रुपये नीचे आया और फाइनली ग्वार सीड दिसंबर वायदा की जो क्लोजिंग है वो 24 रुपये नीचे हुई। ग्वारगम माइनस में तो बंद नहीं हुआ लेकिन ऊपर से ग्वारगम में भी बहुत तेज़ गिरावट हमने देखी और फाइनली जो ग्वारगम का जो दिसंबर का वायदा है, आपको जरा आज का हाई लो बताया जाए कि ग्वारगम का जो दिसंबर का वायदा है आज टच किया था 11,568 और फाइनली क्लोज हुआ है 11,152, तो आप समझ के चलिए करीब करीब 500 रुपये ऊपर से गिरा। लेकिन हाँ, अंडर करेंट ग्वार में बहुत दिखा, कल भी अच्छी तेज़ी थी, आज भी बहुत अच्छी तेज़ी, कारोबार के आखिर में प्रॉफिट बुकिंग आई है। हमारे साथ मनोज जाजू हैं, ग्वार के ट्रेडर हैं। मनोज जी, क्या हुआ ग्वार में आज? देखिए, काफी लगातार 10 दिन से लगातार मार्केट काफी अच्छा बढ़ा है और 20% की लगभग इसमें तेजी आई है, तो जहां मुनाफा वसूली आती है तो जैसे जैसे बाजार ज्यादा ऊंचा जाता है तो वो रिएक्शन भी उसी तरह से मार्केट पे असर डाल रहा है। हालांकि हाजिर के अंदर स्टॉकिश जो है सभी जगह ढेरियों में माल पूरे जो है मन से ले रहा है, लेकिन तेजी के साथ साथ रिएक्शन भी मार्केट में चलता रह सकता है। बट एट द एंड ऐसा लगता है कि मार्केट 6,000 रुपये को टच कर सकता है कभी भी। 6,000 टच कर सकता है कभी भी, ऐसा लगता है। अच्छा। अब वो चलते बाजार में हो जाए या वो रिएक्शन दे देकर हो, ये कह पाना मुश्किल हो। अच्छा अच्छा, एक सवाल मनोज जी आपसे और, अभी स्पॉट मार्केट में क्या रेट है ग्वार का हाजिर बाजार में? देखो, आज मंडियों में 5400 से लेके 5450 रुपए लूज ढेरियां बिक रही है। ये मार्केट की स्ट्रेंथ है जो कि टैक्स पेड जब वेयर हाउस डिलीवरी करते तो वायदे से भी ऊंचा पड़ता है, 150 रुपया 200 रुपया, ये उससे भी ऊंचा माल लूज में स्टॉकिश ले रहे हैं। ओके, तो ये मतलब पैनिक बाइंग तो नहीं है, मतलब लेते रहेंगे, क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको? देखो, अभी तो स्टॉकिश एग्रेसिव है, वो लगातार ले रहा है माल को और अराइवल का प्रेशर भी थोड़ा पहले से कम पड़ गया है, तो उस हिसाब से मार्केट ऐसा लग रहा है कि 125-30 गम भी कभी भी बन सकता है। हो सकता है चलते बाजार में हो जाए या रिएक्शन दे लेके हो जाए या कुछ समय लग जाए, ये सब चीज को तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल सीन जो है ज्यादा मंदे का नहीं है। कहीं भी ज्यादा घटे बाजार तो बाइंग का ही मूड रखना चाहिए स्टॉकिस्ट को। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पर बाइंग ही करनी चाहिए, फंडामेंटली मजबूत है मार्केट, आप कह रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में दाम ऊंचे हैं और बड़ी बात ये आप कह रहे हैं कि अराइवल भी अब धीरे धीरे कम हो रही है
और स्पॉट मार्केट में आप कह रहे हैं कि रेट बढ़िया है तो यहाँ पर गिरावट बहुत रहेगी नहीं, और आप कह रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, 6,000 तक ग्वार सीड जा सकता है। और ग्वारगम का क्या टारगेट दिया सर आपने? ग्वारगम 125-30 का भाव टच कर सकता है। ये आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? कोई भी, मैं तो वैसे दिसंबर या नवंबर मंथ से मेरा मतलब नहीं है। अच्छा, आप उसे कह रहे हैं कि 6,000 जाएगा ग्वार का भाव? हाँ, उस हिसाब से। और अगर स्टॉकिस्ट उस, मान लो ये 6,000 हो जाए ग्वार लूज में डेरिया, और अगर उस भाव पे भी स्टॉकिस्ट अगर एग्रेसिव रहता है इसी तरह, तो फिर उससे और भी प्लस जा सकता है मार्केट। अच्छा। ये डिपेंड करेगा ऑन दैट टाइम क्या पोजीशन रहती है। जी, मतलब अभी आप कह रहे हैं कि अभी स्टॉकिस्ट बहुत एक्टिव हैं, बहुत मतलब अच्छी तरीके से बाइंग कर रहे हैं। जी जी, ओके, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, ग्वार पर अपना व्यू देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है फरहान का, रामपुर से है। पूछिए फरहान जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मुझे आज के लिए गोल्ड पर पूछ रहा था। गोल्ड के बारे में जानना चाहता है। अच्छा, आज आज के लिए राजीव जी मैं बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर आपसे पूछ रहा हूँ, इस भाव पर क्या करना चाहिए गोल्ड में? मृत्युंजय जी, करंट भाव से थोड़ा करेक्शन आ सकता है 200-300 पॉइंट का, बट करेक्शन पे खरीदने का ही हम सलाह देंगे, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है हमें बुलिश ही लग रहा है, तो 52,500 पे हम खरीदारी बोलेंगे विद 52,200 स्टॉप लॉस, बट करंट भाव से थोड़ा नीचे फिसल सकता है। अच्छा, करंट भाव से थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल है लोकेश का, एमपी से है, मध्य प्रदेश से। पूछिए लोकेश। सर, मेरे को कपास और सोयाबीन, मेरे पास, मैं किसान बोल रहा हूँ, ये कपास 10,000 और सोयाबीन 7,000 कब तक हो जाएगी? कपास और सोयाबीन बताइए रवि जी। कपास में थोड़ा हायर लेवल पे सस्टेन रहना मुश्किल है, क्योंकि वैसे देखे तो स्पोर्ट में 1900 चल ही रहा है, तो अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो 9,400-9,500 तक के प्राइसेस ऑलरेडी स्पोर्ट में गुजरात में या अच्छे कपास क्वालिटी में चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पे 10,000 का वेट ना करें। दो मीन्स के अभी जो स्पोर्ट में आपको 1900 अगर ऊपर मिलता है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बिग वाली कर देनी चाहिए। अब मैं ज्यादा वहां पे तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 2000 के प्राइसेस तब सस्टेन हो गए जब कॉटन के प्राइसेस 1,00,000 हो गए, तो आई थिंक उसमें डिस्पेरिटी हो चुके हैं, तो ये लेवल पे भी अच्छा है, ये लेवल पे प्राइस मुझे अच्छा दिख रहा है। सोयाबीन में मुझे लग रहा है कि वहां भी थोड़ी गिरावट आ सकते हैं, क्योंकि ऑयलसीड के प्राइसेस एक साल में 35-40% गिरे, तो वहां पे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और ये लेवल पे भी वहां पे अनवाइंडिंग करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 5,200-300 के करीब अगर मिलता है तो सोयाबीन में एक्सिट हो जाना। ओके, ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेश का, एमपी से जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश। कॉटन सीड ऑयल केक सेल कर रखी हुई है। कॉटन केक ऑयल सीड आपने सेल किया है? जी, 2600 रुपए, 2400 रुपए तक आ जाएगा क्या रेट? आपने सेल किया, 2710 का भाव है, क्या करें राजीव जी? मृत्युंजय जी, आई थिंक दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 2628 है, अगर इन्होंने दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग किया है, हाँ, तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 2670 रुपए का, और वेट कर सकते हैं 2560 तक के लिए। अच्छा, ठीक बात है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने ट्रेड किया है तो आपके लिए राय राजीव जी ने साफ सुथरी दी है, उस पर आप अमल कर सकते हैं। अगला सवाल है कैलाश का, पूछिए कैलाश जी। आप सुन पा रहे हैं कैलाश? हाँ जी, पूछिए। जीरे पे चाहिए सर, जीरे पे, जीरे के बारे बताइए रवि जी। जीरे का मार्केट दबाव में है 24,600 के आसपास, क्या करें अभी? इमीडिएटली दबाव में रहेगा, क्योंकि जैसे सोइंग के नंबर्स अभी आ रहा है तो लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गुजरात के लीड करते हुए अच्छा सोइंग नंबर दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे वहां पे बेच के चलना चाहिए। अगर आप व्यापारी है या आपको एनसीडीएक्स में ट्रेड लेना है तो नियर अबाउट 24,880 आपको सेल करना है, 25,000 का स्टॉप लॉस। डाउनसाइड मुझे लग रहा है कि जीरे में एक बार 24,000 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो यहां से थोड़ा करेक्शन और जीरे में 1-2 ट्रेडिंग सेशन में दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर दीपक हैं, पूछिए दीपक जी। सर, हम किसान हैं, हम दोनों ही से जीती लाए चाहते, हमारे पास सोयाबीन है 100 क्विंटल के अभी चली रखे या बेच दे, क्या बेचने के बाद आगे वहाँ बढ़ेंगे? ठीक बात है, 100 क्विंटल सोयाबीन है आपके पास, तो राजीव जी इनको रखना चाहिए या निकल जाए, ये क्या करें? मृत्युंजय जी, अभी ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो मेरी राय रहेगी कि अपने स्टॉक को धीरे धीरे लिक्विडेट करें, अगर 2-5% तक भी रैली दिखे स्पॉट मार्केट में करंट भाव से, तो ये अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अशोक का, थाने से है अशोक, पूछिए।
अशोक जी जुड़ रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, पूछिए। हाँ मेरे सवाल ग्वाल पे जी, इसी हफ्ते 6,000 रुपए ग्वाल आ सकता है जी? इसी हफ्ते चाहिए आपको? ओहो हाँ जी, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, इस हफ्ते तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक बिल्कुल स्टीप रैली हमने देखी थी पिछले 7 दिन में। बाजार जो है 4600 से और 5600 की इन्होंने यात्रा तय की ग्वार ने, और मुझे लगता है अब 2-4 दिन के लिए ग्वार सीड एक रेंज में चला जाना चाहिए। हालांकि खरीदारी की सलाह रहेगी निचले स्तरों पर, अगर 5350-5400 के बीच में आता है तो खरीद के ट्रेड करना चाहिए 5250 के स्टॉप लॉस से, और फिर से टारगेट जो है 5600-5750 के रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बालचंद शर्मा का, पूछिए शर्मा जी। जी मैं सर सरसों के बारे में जानकारी करना चाहता, बाजरे और सरसों का भाव क्या रहेगा? सवाल दोहराएंगे सर, बाजरे और सरसों की रेट पूछना चाह रहा था। सरसों का रेट, ओके। रवि जी, मस्टर्ड पर कोई आउटलुक आपका? मैंने बात की, वहां भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रेजिस्टिव ट्रेंड रहेगा, जैसे ऑयल सीड में करेक्शन है वहां मुझे मुनाफा वसूली ज्यादा दिख रहे हैं, एंड पर्टिकुलर सोइंग के नंबर भी अभी जो आ रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहे हैं। 7000 के करीब स्पॉट प्राइस चल रहे, 7180-7200 के करीब मिल जाए तो मेरे हिसाब से एक बार आपकी पोजिशन फिजिकल मार्केट में एक बार लिक्विडेट कर देनी चाहिए। विकास है अगला सवाल यूपी से, पूछिए विकास जी। सर मैंने 1 लॉट सिल्वर का 61,500 में बाई किया है, क्या मेरे को 65,000 का लीवर मिल जाएगा? 61,500 पर आपकी बाइंग है, बताइए राजीव जी, रुके रहे क्या अभी? ठीक ट्रेड है इनका? मृत्युंजय जी, ट्रेड तो बिल्कुल सही दिशा में है, बट 62,763 इंपॉर्टेंट लेवल है। हमने पिछले शो में भी दोहराया था कि वीकली क्लोजिंग अगर 62,700 या 63,000 के आसपास होती है तो एक ब्रेकआउट की स्थिति होगी, और तब इनको 65,000-66,000 के दाम मिल सकते हैं। तो एक बार एडवाइज रहेगी कि 62,600-62,700 के आसपास प्रॉफिट ले लें, और अगर फ्राइडे को क्लोजिंग दे सिल्वर ऊपर दोबारा री एंट्री कर सकते हैं बाई साइड में। कैलाश चंद्र मोदी हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ चले गए थे आप, बहुत दिनों से आपकी कॉल आई नहीं, आप रेगुलर ड्यूटी पे जाते हैं तब टाइम ऑफ हो जाता है, क्या करें। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बढ़िया, ड्यूटी जरूरी है। पूछिए पूछिए, कॉपर और क्रूड पे सर करंट रेट पे क्या करना चाहिए दोनों पे? कॉपर और क्रूड बताइए रवि जी, क्या करें ताजा भाव पर? 7 बजे वाला डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, अगर सेफ ट्रेडर है तो रुके, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि कॉपर एंड क्रूड दोनों में इवनिंग सेशन में थोड़ी रिकवरी दिखनी चाहिए। आई थिंक कॉपर के प्राइस के बात कर ले तो 696 चल रहा है, 695 के करीब बाय करें, 692 स्टॉप लॉस, 705 तक के लेवल आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। वही क्रूड में अभी 6898 के प्राइसेस चल रहे, तो मुझे लग रहा है कि ये गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड होगी। आप कल ओपेक के रिपोर्ट के हिसाब से वहां मंदी आई है तो ये लेवल पे बाई करें, 6820 6820 का स्टॉप लॉस लगा है, और एक शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से 7000 तक के लेवल वहां पे 1-2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए, तो दोनों में बाइंग के रिकमेंडेशन है। चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, राजीव जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।